टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर हिंदी कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि अगर 2021 में आईपीएल के लिए मेगा ऑक्शन होता है तो चेन्नई सुपर किंग्स को एमएस धोनी को रिटेन नहीं करना चाहिए। चोपड़ा ने इसकी वजह भी बताई। उनका मानना है कि अगर टीम धोनी को रिटेन करती है तो टीम के 15 करोड़ रुपए धोनी पर चले जाएंगे। उन्होंने इसके लिए सीएसके को एक सलाह दी है। उन्होंने कहा कि धोनी को रिलीज कर दिया जाए और जब उन्हें कोई टीम खरीदे तो राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वापस टीम में लाया जा सकता है। चोपड़ा ने कहा कि मुझे लगता है कि सीएसके को धोनी को रिलीज कर देना चाहिए। अगर मेगा ऑक्शन रिटेन करते हैं तो आपको 15 करोड़ रुपए भरने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर धोनी रुकते हैं और वो महज 2021 का आईपीएल खेलते हैं तो आपको 15 करोड़ रुपए 2022 सीजन में वापस मिलेंगे, लेकिन तब आप उस पैसे का क्या करेंगे? यही मेगा ऑक्शन का फायदा है। सीएसके राइट टू मैच कार्ड के जरिए उन्हें वापस टीम में ला सकता है। उन्होंने आगे भी कहा कि शेन वॉटसन क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं और अगले साल आईपीएल में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सीएसके को मेगा ऑक्शन की ज़रूरत है क्योंकि टीम के पास ज़्यादा ऐसे खिलाड़ी नहीं है जिन्हें वो रिटेन कर सके। सीएसके के लिए आईपीएल 2020 काफ़ी निराशाजनक रहा। टीम प्लेऑफ्स में जगह भी नहीं बना पाई। बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ पर एमएस धोनी को सीएसके रिटेन नहीं करती है तो हो सकता है कि दूसरी टीम धोनी को ज्वाइन कर ले और धोनी दूसरी टीम के साथ जुड़ जाए। अब ये सिर्फ कयास लगने शुरू हो गए क्योंकि धोनी के फैंस भी अब इन बातों को जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिरकार एमएस धोनी अगर सीएसके के लिए नहीं खेलेंगे तो किस टीम के लिए खेलेंगे। आपको क्या लगता है हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। एएनपी न्यूज रूम से विजेंद्र सिंह नेगी की रिपोर्ट।